थोड़ा सा आगे आ जाओगे यार, वैसे ही कम आवाम आई है लॉकडाउन के बाद। अच्छा चलो पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा नाम मुगीरा फारूकी है और CIA का अलहमदिल्ला हमारा ये पांचवा बैच है। चार बैच हमारे लॉकडाउन से पहले हुए थे, उसके बाद ये अलहमदिल्ला पांचवा बैच है। मैं अपने मुतालिक थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं ACCA मेंबर हूँ और अपने एजुकेशन करियर का आगाज़ मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से किया। उसके बाद फिर एबर्ट फार्मा, फिर गेट्स फार्मा के अंदर इंटरनल ऑडिट देखा। उसके बाद मीज़ान बैंक में इंटरनल ऑडिट बिजनेस रिस्क रिव्यू डिपार्टमेंट देखा। उसके बाद मीज़ान बैंक में शरिया ऑडिट देखा। अभी करंटली मैं MCBRF अबीब म्यूचुअल फंड्स में इंटरनल ऑडिट देख रहा हूँ। अब थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिक लोग कितने हैं। ड्रीम वर्ल्ड के अंदर इंटरनल ऑडिट, कहाँ पे? स्लम्बरजर में, फाइनेंस के अंदर। ओके, ACCA मेंबर। ओके, आपकी एजुकेशन क्या है? BCOM है। ट्रेजरी ऑपरेशंस CIA में क्या करना है? सवाल चेंज करना है। अच्छा, मिला भाई तुम्हारे सवाल का जवाब अभी, अभी और मिलेगा। हाँ, एटलस बैटरी ऐसा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, चार हो गए मेरे अलहमदिल्ला। अगर आप पढ़ते हैं तो तीन इंटरनल ऑडिट के हेड अलहमदिल्ला इंडस्ट्री में मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ACCA मेंबर है, ACM है। ओके, MMU। ओके, अच्छा सिल्क बैंक में होती हैं आप, ठीक है। वंस अगेन, CIA के अंदर क्या इंटरनल ऑडिट में कैसे कैसे आना चाह रही हैं, क्यों आना चाह रही हैं? अच्छा, अमूमन एक लोग कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम CIA क्यों करें, तो बात कर लेते हैं, फिर कोर्स स्पेसिफिक बातें होती रहेंगी। इंटरनल ऑडिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज से 5 साल पहले इंटरनल ऑडिट का वो स्कोप नहीं था जो एक्सटर्नल ऑडिट में लोगों को चार्म नज़र आता था, खासतौर पर चार्टर्ड या फिर कोई MBA का स्टूडेंट है। तो अमूमन लोगों की कोशिश होती थी कि फाइनेंस की तरफ जाएँ या एक्सटर्नल ऑडिट की तरफ जाएँ, ट्रेजरी की तरफ जाएँ। 5 साल के अंदर बड़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास तौर पे कुछ ऐसे रीसेंट फ्रॉड्स हुए हैं जिसके बाद रेगुलेटर्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स आई कि नहीं जी अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करो, और उसके लिए उनको ज़रूरत थी कॉम्पिटेंट लोगों की। एक होता है रिवायती इंटरनल ऑडिटर। रिवायती इंटरनल ऑडिटर से आप बड़े बखूबी वाकिफ होंगे। कितना सर अरसा हो गया हेड ऑफ बने हुए, इसको साइलेंट कर लीजिएगा, 4 साल हो गए ना। तो रिवायती इंटरनल ऑडिटर्स का क्या मसला होता है? रूटीन ऑब्जर्वेशंस, JD नहीं मिली, ठीक है जी, JD नहीं मिली, और क्या हुआ जी, वो तो परेशान हो जाता है कि यार इससे बाहर मुझे कंट्रोल वीकनेस ला के दो, ठीक है। तो अब हुआ क्या जी, रेगुलेटर्स ने भी यही देखा, रीसेंट डेवलपमेंट्स यहीं के कुछ फ्रॉड्स ऐसे हुए, खासतौर पर इंटरनेशनल लेवल पे भी। पहले जब ACCM कर रहे होते थे बड़ा मशहूर फ्रॉड था एक एनरॉन बड़ा सुनते थे। अभी एक रीसेंट फ्रॉड हुआ 2 साल पहले गालिबन, वेलफेयरगो बैंक, बड़ा जबरदस्त फ्रॉड जिसको इंशाल्लाह। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर रेगुलेटर्स ने कहा कि नहीं जी हमें इंटरनल ऑडिट में बड़े कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, और इदारों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि भाई अपने इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए ज़रूरत पड़ी कॉम्पिटेंट लड़कों की या लड़कियों की, कि जो आके इंटरनल ऑडिट को ज़रा अच्छे तरीके से चलें। तो उसके लिए ज़रूरत थी किसी सर्टिफिकेशन की। तो उस वक्त CIA की डिमांड बड़ी क्रिएट हुई, इंटरनेशनली भी और लोकली। अब आप रिसेंटली अगर किसी जॉब के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो या वैसे अगर आप देखते हो तो CIA स्पेसिफिक जॉब्स बड़ी नज़र आती हैं कि भाई CIA होगा तो हम प्रेफर करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एक और फ़ायदा क्या होता है जी, कि इंटरनल ऑडिट का सबसे बड़ा, कि अगर आप इंटरनल ऑडिट को करियर चूज़ करते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज़ हमेशा किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस में हो तो आप फाइनेंस के अंदर नंबर क्रंचिंग करते रहोगे, मुख्तलिफ हेड सीख लोगे, लेकिन आप फाइनेंस के बाहर ट्रेजरी ऑपरेशंस को नहीं सीख पाओगे।
बट अगर आप इंटरनल ऑडिट में आते हैं तो आपको डिफरेंट फ्लेवर मिलते हैं. आपके सामने ऑपरेशंस भी आ रहा होगा, आपके सामने एडमिन भी आ रहा होगा, आपके सामने ट्रेजरी भी आ रहा होगा. आप डिपार्टमेंट्स के ऑडिट कर रहे होते हैं तो आपकी मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज क्रिएट हो रही होती हैं. और उस दौरान फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें तो आपको ये जरूर फायदा होता है कि यार मैंने लेट सपोज 5 साल इंटरनल ऑडिट को दे दिए, मुझे मजा आया फाइनेंस को काम करने में, अब मैं फाइनेंस में स्विच कर सकता हूँ. बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, बिकॉज आप ऑडिट से आए हुए होते हैं तो सामने वाला बंदा भी कंसिडर कर होता है यार इसे ऑडिट कर चुका है फाइनेंस का, तो ऑब्वियसली फाइनेंस आता होगा. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता होगा. तो इससे आप अपने करियर के अंदर भी आप बनते नहीं है कि आप एक लिमिटेड स्कोप में नहीं होते, आप आराम से स्विच कर सकते हैं या फिर आगे मूव कर सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट में इजिली, बनिस्बत उस शख्स के जो किसी और डिपार्टमेंट में 8-10 साल दे चुका है या 5 साल दे चुका है. फिर वो उसी डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री भी वही रहती है अमूमन और वो डिपार्टमेंट भी वही रहता है अमूमन, उसी में स्विच कर रहा होता है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो CIA की, अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो CIA के 3 लेवल हैं और CIA अमूमन अभी ACCA मेंबर्स को अप्रोच कर रहे हैं चैलेंज एग्जाम के लिए. ठीक है जी, तो चैलेंज एग्जाम के हवाले से मेरे पास व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेजेस वगैरह आए कि सर देना चाहिए नहीं देना चाहिए. मेरा मशवरा ये होता है कि चैलेंज एग्जाम उस शख्स को देना चाहिए जो कम से कम 6 से 8 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हो, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, ये एक मार्केटिंग स्टंट है. रीजन उसका ये है कि एक जगह पे एक सर्टिफिकेशन की 3 लेवल्स हैं और एक जगह पे आपने सिर्फ एक पेपर देना है तो ऑब्वियसली उसकी, जिसे कह लो कि टेक्निकल डिफिकल्टी बढ़ जाती है, प्लस उसकी फीस भी अच्छी खासी तकरीबन अराउंड 2.5 लाख के करीब है. आपके पास अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है और आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है कि आप 6 से 8 महीने पढ़ चुके हो तो आप बिल्कुल जाइए और अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन उसके बावजूद आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी 30% से 25% होगी बस. ये मैं उस लेवल पे बता रहा हूँ जब आपने ACCA में बहुत नेक्स्ट लेवल स्कोर की हो और आप बहुत अच्छा पढ़ते हुए आ रहे हो पीछे से और आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तब. रीजन उसका क्या है? रीजन ये है कि CIA बेस करता है टोटली स्टैंडर्ड्स पे. हमारे अमूमन जो लोग प्रोफेशनल्स घर पे CIA पढ़ते हैं, अमूमन ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं सर मैं कंफर्टेबल हूँ घर पे, मैंने कहा गो अहेड घर पे पढ़ो, कोई मसला नहीं है, पढ़ सकते हो भाई, ACCA क्वालिफाइड है, पढ़ सकता है घर पे. इशू क्या आता है, एक नौकरी वाला आदमी मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा हफ्ते में 4 दिन दे दे बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता. उसके अंदर उसकी मोटिवेशन क्या होती है, यार वो ग्लैम की बुक उठाएगा, एक किट उठाएगा, थ्योरी पढ़ेगा, उसके बाद MCQ सॉल्व करेगा, MCQ थोड़े बहुत सॉल्व होना शुरू होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बुक खत्म की, चलो पेपर दे देते हैं, पेपर दिया फेल. समझ नहीं आ रहा सर फेल कैसे हो गए, प्रॉब्लम यह है कि आपकी डायरेक्शन ही गलत थी. बुक जो बात करती है उसमें जो स्टैंडर्ड्स बुक डिस्कस करती है वो बड़े लिमिटेड हैं. हम क्लास में जब CIA को पढ़ेंगे तो हमारा पूरा फोकस बुक पे नहीं होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा स्टैंडर्ड्स पे. और जैसे मैं अगर एक्सटर्नल ऑडिट की बात करूं तो एक्सटर्नल ऑडिट में हम आईजाज पढ़ते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे. इंटरनल ऑडिट के जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने आप में एक दुनिया है और उनको पढ़ने के लिए हमें बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट्स करनी है, और जब आप वो कर लेते हैं तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप CIA का पेपर दे सकें. रीज़न उसका यह है कि यहाँ पे MCQs जो है वो बड़े डिफिकल्ट नेचर के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एथिक्स के ऊपर अगर MCQ बनेगा तो जो वो MCQ बनेगा इंटेग्रिटी के ऊपर, लेट सपोज, तो वो एक छोटा सा एक सिनेरियो होगा, उससे नीचे वो MCQ ऑप्शंस देगा, 4 ऑप्शंस होंगे, चारों सही होंगे. अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं इसको गलत किस बेस पे करूं. एक होता है कि ऑप्शंस में बड़ी वैरायटी है, एक होता है चारों ही सही है. अब वहां पे वो बंदा कामयाब है जिसके स्टैंडर्ड्स पे खतरनाक लेवल की ग्रिप है, कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल्ड वाले क्लियर हों, क्योंकि वो इतने क्लोज ऑप्शंस होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होता. जब हमने शुरू में CIA शुरू किया तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मैं बुक पढ़ाता था, स्टैंडर्ड पढ़ाता था, प्रैक्टिस नहीं कराता था, मैं MCQs दे देता था और मैं कहता था प्रैक्टिस घर पे करो, जहाँ कोई मसला हो मुझसे आके पूछ लो. बट ये मेरी खुशफहमी थी कि स्टूडेंट्स घर पे कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं. उसके बाद रीज़न ये आया कि हमारा रिजल्ट बड़ा ख़राब आया. फिर हमने उसके बाद से जो है वो ये प्रैक्टिस स्टार्ट की कि हम बुक भी क्लास में करेंगे, किट भी क्लास में करेंगे, स्टैंडर्ड्स भी क्लास में करेंगे और सब कुछ यहीं पे करेंगे. मतलब ऑल आई नीड के बस आप क्लास में आए हुए हो, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. घर पे रिवाइज कर सको तो बाकी उसकी भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम सब क्लास में कर लेते हैं. अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिकली अब लेवल 1 की बात करूँ तो लेवल 1 125 MCQs पे बेस करता है और तकरीबन 2.5 घंटे का ये पेपर होता है. ठीक है जी,
अब ढाई घंटे के अंदर अगर मैं पर एमसीक्यू डिवाइड करूं तो 60 सेकंड होते हैं आपके पास एक एमसीक्यू को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको आप सीआईए ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने एथिक्स नहीं पढ़ा इतनी, यानी कि आपको अंदाजा हो जाए। So what? Yes. Obvious है, आपको मिलता है ऐसा करते हुए लोग क्यों हो जाते हैं फिर frauds इंडस्ट्री में, सवाल है मेरा बड़ा मासूम आना, क्यों हो जाते हैं frauds, क्यों बैंक के अंदर बड़े फ्रीक्वेंटली ब्रांच में investigations हो रही होती हैं, भाई इतने पैसे गायब हो गए, ये हो गया, बैलेंस आउट आ रहा है, बड़े बड़े इदारों में frauds हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? अगर इंटेग्रिटी एक ऑब्वियस चीज है, किताब में जो चीज लिखी है प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज करना बड़ा मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप पहले समझ लें कि जिस दुनिया में आप दाखिल होने जा रहे हैं वहां पे आपको किन चैलेंजेस का सामना होगा। बाज दफा अच्छा खाली मसला ये नहीं है कि आप किसी बदनीयती में कोई काम करेंगे, एक चीज होती है एथिक्स के अंदर जिसके अंदर आपको अपना रोल समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किस कैपेसिटी में काम करूं, तो उसके लिए भी एथिक्स का पढ़ना जरूरी है। आपके पास डेडिकेटेड दो चैप्टर्स हैं पूरे जो सिर्फ एथिक्स पे बात करेंगे और बड़ी डिटेल्ड बात करेंगे। मैं सीआईए में एथिक्स की इंपॉर्टेंस को इस तरह बयान करता हूं कि कोई ऐसी से सर हमने तो एथिक्स पढ़ा हुआ है, हमने P3 में एथिक्स पढ़ा, हमने P1 में एथिक्स पढ़ा, हमने F1 में थोड़ा बहुत एथिक्स पढ़ा, फिर हमने एथिक्स का मॉड्यूल दिया ACCA में, ये सब करने के बाद मैंने कहा वो जितना किया ना वो सब सिर्फ 20% था, 80% एथिक्स अभी बाकी है, इतना एथिक्स है यहाँ पे जिस पे अब बात होगी। और अमूमन लोग इसी एथिक्स के अंदर ही ज्यादा मुश्किल का शिकार होते हैं बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा होता कि यार ऑब्वियस सिनेरियो है लेकिन ऑप्शन सारे सेम है, अब मैं किसकी तरफ जाऊं। तो बहरहाल मैं वापस आता हूं, 125 एमसीक्यूज, ढाई घंटे का पेपर, 60 सेकंड, बड़ा टफ हो जाता है, सब होते हैं। मैं अभी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, सब मैं बताता हूं। तो उसके अंदर जो है वो 125 जो एमसीक्यूज होते हैं वो बेस करते हैं आपके तकरीबन 7 चैप्टर्स के ऊपर, और अभी रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब अब साल हो गया, पहले सीआईए का सिलेबस जो है वो डिफरेंट था और उसके अंदर उन्होंने कुछ चैप्टर्स अभी रिसेंट जो चेंजेस किए हैं वो लेवल 2 में ले गए, कुछ लेवल 3 के चैप्टर्स को लेवल 1 में लेके आए, कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो शामिल करती हैं जैसे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पहले नहीं होता था, इस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू है लोगों ने। सर आप हेड ऑफ ऑडिट हैं, कोसो फ्रेमवर्क कितना डिटेल्ड पता है, अगर मैं बात करूं नहीं हो रहा ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बड़े लेवल पे अगर बात करूं उनको बहुत बेसिक आइडिया कोसो फ्रेमवर्क का, लेकिन यहाँ पे कोसो फ्रेमवर्क आपको अप्लाई करना सिखाएंगे कि आपने अपने इदारे में कोसो लगाना कैसे है, कोसो फ्रेमवर्क। तो ये कंट्रोल स्पेसिफिक चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज के अंदर सबसे बड़ा मसला जो मैंने पहले बताया कि हमें समझ नहीं आता जी एमसीक्यू में सही क्या है, तो फिर हमने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि क्लास में जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम पहले बुक पढ़ेंगे, बुक के बाद हमारा मैक्सिमम टाइम जाएगा स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जिसके अंदर हमें स्टैंडर्ड्स डिबेट होगी, मुख्तलिफ चीजें डिस्कस होंगी, फिर एमसीक्यूज सॉल्व होंगे, और एमसीक्यूज में हम जो सही है उस पर बात नहीं करेंगे, जो 3 गलत है वो गलत क्यों है इस यानी रीजन फॉर रिजेक्शन, सर मैं इसको रिजेक्ट क्यों कर रहा हूं। जब आप इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करते रहोगे तो आखिर में जब आपका पूरा कोर्स वाइंड अप होगा तो आपके पास हर चीज की वजह होगी कि मैंने इसको गलत किया तो क्यों किया, किस स्टैंडर्ड के तहत किया, उस स्टैंडर्ड के कौन से क्लॉज के तहत किया। तो फिर इस तरीके से आके स्टूडेंट भी कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ यार अब मुझे चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। और जो मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूँ यकीनन ये एक प्रोफेशनल के लिए ऑन जॉब बंदे के लिए घर पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इतनी डेडिकेशन के साथ बैठ के पढ़े, पीछे से बेगम की आवाज आएगी या कोई और काम होगा, वो सारी चीजें पीछे रह जाएंगी और वो काम नहीं हो पाएगा जिस मकसद से वो बेचारा बैठा है। तो उससे बहुत बेहतर होता है कि क्लास के एनवायरनमेंट में जब आप जुड़ते हैं तो आपको आपका जो एफर्ट लेवल होता है आपको पता है कि मैंने यहीं पर करना है, घर जाके मुझे अपने काम करना है, मेरी तैयारी यहाँ से हो रही है। अच्छा, इसके अंदर 7 चैप्टर्स आ जाते हैं। पहले चैप्टर की मैं बात करूँ टोटली एथिक्स है, इसके अंदर आप बुनियादी इंटरनल ऑडिट पर बात करेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद आप इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे थोड़ी बहुत।
दूसरा चैप्टर वंस अगेन एथिक्स, और अब एथिक्स आएंगे स्टैंडर्ड स्पेसिफिक. अब इसमें बात रिलेट होगी कि भाई इंटेग्रिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड क्या कहता है. इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? सच्चाई. सही है. अब खाली सच्चाई नहीं है इंटरनल ऑडिट की दुनिया में, उसमें 36 किस्म के कॉन्सेप्ट हैं. उन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है कि इस कैपेसिटी में इंटेग्रिटी अप्लाई कैसे होगी, इस कैपेसिटी में इंटरनल ऑडिटर से मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, इस कैपेसिटी में बोर्ड ऑडिट कमेटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है. तो इस तरीके से आप सारे स्टैंडर्ड्स को सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे. थर्ड चैप्टर की मैं बात करूं तो थर्ड चैप्टर हमारा बात करता है गवर्नेंस. बड़ा जबरदस्त चैप्टर. इसके अंदर आपको जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई आपके इदारे की ट्रांसपेरेंसी किस लेवल की है, बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरह गवर्नेंस का निजाम आप अप्लाई करेंगे, किस तरीके से मैं ये मान लूं कि आपके इदारे में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई हुआ हुआ है, ये सारी चीजें आप यहां से देखेंगे. इसके बाद आप आके आते हैं तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट. अच्छा, गवर्नेंस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ेंगे, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी. और इसके अंदर फिर ERM का एक बहुत डिटेल गुफ्तगू है जिसको समझना इसलिए जरूरी है कि उसके बाद आगे के चैप्टर्स में COSO फ्रेमवर्क आएगा जो कि टूल है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को लगाने का. तो फिर आप ERM पे बड़ी डिटेल गुफ्तगू होगी. उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो फिर रिस्क मैनेजमेंट, इसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू होगी क्योंकि इंटरनल ऑडिट है क्या. अगर मैं एक आसान बात करूं तो इंटरनल ऑडिट इज ऑल अबाउट कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल. आपका पूरा मेवर जो है वो कंट्रोल के गिर घूम रहा होता है. ये कंट्रोल बनाना किसकी जिम्मेदारी है लड़के? खामोश. किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. अमूमन जगहों से जवाब आता है इंटरनल ऑडिट की. IIA ने 2017 दिसंबर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की US में, उसमें पूरी दुनिया से इंटरनल ऑडिट के हेड्स को बुलाया जो कि CIA मेंबर्स थे. और उसमें जो सबसे बड़ा इशू डिस्कस हुआ IIA के बोर्ड ने जो डिस्कस किया अपने मेंबर्स के साथ कि खुदा के वास्ते दुनिया को ये कम्युनिकेट करो इंटरनल काम कंट्रोल बनाना नहीं है. ये इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि होता क्या है कि जब भी इदारे में कभी फ्रॉड होता है मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट को ऐसे देखती है जैसे इसने किया. ऑडिटर क्या कर रहा था? ओ भाई, ऑडिटर का काम, आप एक डिपार्टमेंट को ओन करते हो फाइनेंस को, यू आर अ CFO, लेट्स सपोज आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, उसके कंट्रोल्स आपने बनाए, उसको एग्जीक्यूट आपने किया, आपने ही मॉनिटर किया. इंटरनल ऑडिटर साल में एक दफा आके आपके कंट्रोल की स्ट्रेंथ को देख के चला गया, गड़बड़ आपने की, देखा इनकी तरफ जा रहा है. तो इस गैप को क्रिएट करने में, इस गैप को खत्म करने में बड़ा एक हमारे मुख्तलिफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ का भी है कि भाई हम लोग बड़े उसमें सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते कि भाई ये हमारा काम नहीं है. फिर ये चीज मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना भी जरूरी. तो उस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा जो हॉट इशू था वो था यही कि भाई ये दुनिया को कम्युनिकेट करो हमारा काम नहीं है. हाँ ठीक है, हम किसी कैपेसिटी में तो लाइबल होंगे कि यार ठीक है हमसे थोड़ा सा ओवरलुक हो गया, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी कि आप क्या कर रहे थे जी. मेरा सवाल आपसे होता है उस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करवाने की बात नहीं हो रही. उस कंट्रोल को जब वो कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हुआ, जब वो टूटा वो कंट्रोल और जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है, तो उस वक्त लोगों की क्या होता है, लोग कहेंगे ऑडिटर क्या कर रहा था. जो सवाल आया कि ऑडिटर क्या कर रहा था, तो भाई ऑडिटर का काम ही आप क्या कर रही थी, आपने बनाया, आपने सब कुछ किया, तो आपकी कंट्रोल का आप, इसका तो मतलब ये कि आपने या तो अपनी रिस्क असेसमेंट सही नहीं की, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल उस लेवल का नहीं था. बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. तो बहरहाल इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू है जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम करेंगे. इसके बाद अगर आगे आएंगे तो फिर कंट्रोल्स उनकी टाइप्स और उसके साथ COSO फ्रेमवर्क. कंट्रोल की टाइप्स वगैरह जो ACCF बैकग्राउंड के हैं उन्होंने कुछ पढ़ी होंगी कुछ नहीं होंगी. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे ज्यादा एग्जामिन होने वाला टॉपिक है COSO क्यूब. तो इसमें COSO क्यूब एक लिमिटेड उसमें आता है, लेकिन मैंने पिछले दो बैचेस के अंदर ये एक अच्छा एक प्रैक्टिस रखी है कि मैं COSO क्यूब अप्लाई करना भी सिखाता हूँ. वो एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट उससे फायदा ये होता है कि जब आप एक चीज अप्लाई करना सीख लेते हो ना, तो आपको पता होता है कि यार पेपर में तो संभाल लूंगा मैं, क्योंकि आप उससे थोड़ा सा आगे ही कर पढ़ लेते हो. तो COSO क्यूब पे बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू होगी. और इसके बाद हम आएंगे तो इसके अंदर कंट्रोल एप्लीकेशन पे गुफ्तगू होगी कि भाई ये कंट्रोल्स किस किस तरह कौन कौन लगाएगा, क्या इंटरनल ऑडिट का रोल है. और उसके बाद सातवां चैप्टर आपका आ जाता है फ्रॉड
रिस्क एंड कंट्रोल, इसके अंदर दोबारा कंट्रोल्स, लेकिन कंट्रोल्स की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, और इसके अंदर बात होगी कि हर बंदा इदारे के अंदर किस किस कैपेसिटी में कंट्रोल से रिलेटेड कितना रिस्पॉन्सिबल है, इस तरीके से बात होगी। फ्रॉड रिस्क आएगा, इसके अंदर हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रॉड की प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो हुए हैं, और फिर उनको रिलेट करेंगे इंटरनल ऑडिट से कि इंटरनल ऑडिट क्या कर रहा था, और फिर वो थ्योरी है वो भी अपने साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से लेवल वन हमारा कंप्लीट होगा कमोबेश पौने तीन महीने में कंप्लीट होगा, जिसके अंदर आपकी बुक, आपकी किट, आप सब हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा पेपर देना। उसके अंदर मैं एडवाइस करता हूँ कि एक हफ्ते का, डेढ़ हफ्ते का गैप लो, सब कुछ रिवाइज करो, एक दफ़ा देख लो कि कहीं पे कोई मसला तो नहीं है, और उसके बाद डेट लेके पेपर दे दो। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, सीवी पेपर है, आपकी मर्जी है, आप जाके डेट लें और कभी भी पेपर दे दें। ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर, और आप कभी भी दे सकते हैं, तो ऑन डिमांड पेपर होता है। सॉरी, अभी इन्होंने, मैंने रिसेंटली सुना है कि पियर्सन वालों ने कुछ ऐसा किया है कि वो कोविड की वजह से कि वो कुछ घर बैठ के आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसका तरीका भी, वो उन्होंने क्या किस तरह वो दे रहे हैं, तो लेकिन बहरहाल ये अब सीबी सेट हमारा खुद तो एसओपीस के साथ, तो उसमें फिर आपको जाके देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका लेवल वन ख़त्म होगा, उसके बाद ही फिर आप लेवल टू के अंदर एंटर होते हैं, और फिर इसी तरीके से आगे। लेवल वन और लेवल टू में ढाई ढाई तीन तीन महीने का सिलेबस होता है, लेवल थ्री में आके सिलेबस तकरीबन 5 महीने का हो जाता है, बिकॉज चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, चैप्टर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। अच्छा, सीआईए के अंदर एक और चीज़ ये है कि आप लेवल थ्री पहले दे सकते हैं, लेवल टू बाद में दे दें, लेवल वन उसके बाद दे दें, उल्टा भी दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है कि आप पहले लेवल वन दें फिर लेवल टू दें या फिर लेकिन ऑब्वियसली कोर्स ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है कि कोई भी लेवल थ्री पहले नहीं देना चाहेगा। ये अमूमन उनके लिए होता है कि जिनका पेपर रुक गया है, तो वो लेवल वन के साथ लेवल टू दोनों दे दें साथ, तो ये उनके लिए एक ऑप्शन है। इसके रूट्स हैं जिसके थ्रू आप दाखिल हो सकते हैं, एक स्टूडेंट का रूट है, एक नॉन मेंबर का रूट है, और एक मेंबर का रूट है। इसमें लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि सर रूट के तहत आएंगे, तो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल और जो सबसे ज़्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं वो होता है मेंबर वाला रूट। मेंबर वाला रूट क्या होता है जी, कि जिसमें आप सबसे पहले मेंबर बनते हैं आईआईए के, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के। सर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप जिंदा हों और सांस ले रहे हो बस, इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आपकी सांसें चल रही हैं आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप मेंबर बन सकते हैं। आपने एक फीस पे करनी है, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के मेंबर बन गए। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर की मल्टीपल सर्टिफिकेशन है, जिसमें उनकी सबसे कोर सर्टिफिकेशन जो है वो सीआईए। अब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, सर इसका फायदा क्या है कि मैं उसका मेंबर क्यों बनूं, मुझे क्या मोटिवेशन है? आपकी फीस कम हो जाती है, आपकी सीआईए की एप्लीकेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस दोनों कम हो जाती है। अगर आप नॉन मेंबर के रूट से आएंगे तो आपको जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और एग्जामिनेशन फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल और जो रूट है वो कि आप मेंबर बने और उसके बाद आके आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लें सीआईए में, और उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड जैसे एक डेटा पोर्टल होता है वो खुल जाएगा। उसमें इनके अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, एग्जामिनेशन रिसोर्सेज, जिसके अंदर वो आपको स्टैंडर्ड्स दे देंगे, ऑनलाइन आपके पास एक्सेस होगा, वो सारे स्टैंडर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स देख सकते हैं। तो उसमें से काम की चीज़ होती है स्टैंडर्ड्स, जो आपके पास लेटेस्ट स्टैंडर्ड होते हैं उसका आपको एक्सेस मिल जाता है। वो अगर आप इनिशियली लेट सपोज कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, सर मैं रजिस्ट्रेशन अभी कराऊं नहीं कराऊं, मैं तो अभी खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं सीआईए करूं या ना करूं, तो मैं कहता हूं भाई क्लासेस लो, क्लासेस लेने के बाद जब तुम्हें यार मैं देने के काबिल हो गया हूं, फिर करा लेना, सर स्टैंडर्ड्स वो मैं दे दूंगा, तो बात ख़त्म हो गई। इसके अलावा लेवल वन से रिलेटेड कोई और सवाल? 3 साल का होता है, लेकिन वो फिर दोबारा आप रिवाइज करवा सकते, वो हो जाता है, वो इतना मसला नहीं होता। कोई और इस लेवल वन स्पेसिफिक सवाल? यार अगर मैं वैसे बात करूं तो 40% इसकी पासिंग प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री, मतलब 100 बच्चे दे रहे हैं तो 40 पास होते हैं। अगर मैं ACCA के कंपैरिजन में बताऊं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, जैसे तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल P4 का है, सही है, तो वो वाला लेवल है इसका, दो जो में देखने को मिलेगा। लेवल वन में तो शायद तुम उसको फिर भी संभाल लो, लेवल टू और लेवल थ्री थोड़ा सा ज्यादा टफ टाइम देते हैं। इसके अलावा मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी क्लास में आओ तो पहले का रिवाइज करके आओ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी जो होगा क्लास में हो, कुछ भी नहीं रट्टा लगा सकते दोस्त, सिवाय कुछ चीजों के जो कि तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे, टोटली कॉन्सेप्चुअल है।
टोटली इतने सिनेरियोज हैं कि तुम थक जाओगे, इतने सिनेरियोज हैं। कितने पे रुका कुछ लेकिन इन्होंने अब सिलेबस चेंज कर दिया है, इनकी एग्जामिनेशन अप्रोच चेंज हो गई है। अब इन्होंने किया ये है कि क्वेश्चंस को दो अप्रोचेस में डिवाइड किया है, बेसिक और एक प्रोफेशन। बेसिक वो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें एग्जैक्टली ऑप्शन जो है आपको पता होगा कि यार ये तो ये इसकी बात कर रहा है। प्रोफेशन के अंदर वो किसी डायलेमा के अंदर आपको डालेगा, कोई कहानी सुनाएगा पूरी, कोई सब्जेक्टिव कॉल होगी आपकी जिसके अंदर आपको जरा सोचना पड़ेगा, और वहां पे वो आपका टाइम किल करवाता है। CIA को पास करने में ना आपका काबिल होना भी जरूरी नहीं है, नो मैटर आप कितने जहीन हो और नो मैटर आप कितने चीते हो अपनी फील्ड में, अगर आपको पेपर सॉल्व करने की टेक्निक नहीं आती ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स बेकार हैं। उसका रीजन ये है कि ये आपका टाइम बहुत जाया कराता है। कैसे? दो अप्रोचेस इसकी जो मैंने अभी तक सीखा है। नंबर वन, ये आपको अंग्रेजी में मार्क, इसकी ग्रामेटिकल जो सीक्वेंस होगी क्वेश्चन की वो इस तरह होगी कि पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या क्या रहा है यार ये, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे उसमें आपका टाइम, क्योंकि आपके पास है 60 सेकंड। अब आपने 60 सेकंड में पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, ये भी डिसाइड करना है कि इसमें से सही क्या है। अब उसमें आपके पास ऑब्वियसली बड़ा एक टफ टाइम होता है, पहली चीज तो ग्रामेटिकल सीक्वेंस क्वेश्चन की। दूसरा वो ये करेगा कि एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ ड्राफ्ट किया और उसके बाद उस पैराग्राफ से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनाएगा, और 3-4 क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन जो नीचे होगा फॉरन से वो बिल्कुल रिलेट करेगा पहली वाली बात से। अब आप पूरी कहानी पढ़ के नीचे आ चुके हैं, अब आपको रिकॉल करने फिर पीछे जाना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करने की एक टेक्निक है पूरी कि भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे सॉल्व करना है पूरे, वो एक एक चीज़ हम क्लासमेट, इसीलिए मैंने फिर MCQs क्लास में इसी वजह से कि अमूमन स्टूडेंट्स घर पे कर रहे थे, घर पे एक रिलैक्स माहौल होता है, उसमें आपको इतनी टेंशन नहीं होती ना आप उस तरीके से कर। यहाँ पे क्लास में आपको जब मैं शुरू में बना दूंगा उस अप्रोच का, फिर सिंपल काम होगा कि MCQs दिए, स्टॉप वॉच ऑन की, मैं चला गया, फिर देखना ये है कि कितनी देर में आप लोग कर पाते हैं उसको। इस तरीके से जब आप आदि होंगे रेगुलर तो फिर ऑब्वियसली आप उस चीज़ के आदि हो जाते हैं कि यार, वरना अमूमन लोग कहते हैं सर 60 सेकंड में होगा कैसे, वो बिल्कुल हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आहिस्ता 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 आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कुछ MCQs वो ऐसे भी देता है बिल्कुल जो आपको सिर्फ पास कराने के लिए होते हैं, मतलब उस MCQ पे 20 सेकंड से ऊपर लगाना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है, वो इतना क्लियर आंसर होगा आप कहेंगे यार ये वो MCQs आपका टाइम बचाते हैं जो आप लेंथी MCQ में लगाते हैं, फिर कि यार उधर मैंने बचाए थे तो इधर मैं थोड़ा टाइम दे दूं तो कम से कम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पासिंग स्कोर के हवाले से अमूमन कंफ्यूजन होती हैं कि सर इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम मार्क्स क्या है, तो 80% इसकी जो है वो मिनिमम मार्क्स होते हैं, बिकॉज इन्होंने कहा है कि हम 750 के करीब ओवरऑल 125 MCQs को स्कोर देते हैं। अच्छा, सिस्टम होता है, मतलब आपको यू नेवर नो कि पहला MCQ हो सकता है 10 मार्क्स का हो और दूसरा वाला 2 मार्क का हो या 1 मार्क का हो। अब होता क्या सर, मेरा तो सिर्फ 3 ही गलत हुए थे फिर भी मैं फेल हो गया, वो जो 3 गलत हुए थे वो थे ही 10-10 मार्क्स के, जो आपने बाकी सही किए हो सकता है वो जरा कम मार्क्स के हो, तो वेटेज सिस्टम है, हर MCQ इक्वल मार्क का नहीं होता। तो ओवरऑल सारे 125 MCQs होते हैं 750 मार्क्स के, जिसमें से आपने मिनिमम 600 स्कोर करना है, तो इस तरीके से फिर आप जो है वो चीजों को क्लियर करते हैं। कुछ भी आपका इनफैक्ट जब पेपर रुक जाएगा तो वो सिर्फ आपको एरिया बताएगा कि आपका ये वाला एरिया वीक है, आपको ये भी नहीं बताएगा कि कितने मार्क वो कुछ परसेंट लेंगे, उसमें ये बता देगा कि भाई आपका लेट सपोज मैंडेटरी गाइडेंस वाला एरिया वीक है, बस ये पता चल जाएगा आपको, इसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा कि कहां से आपको क्या मसला हुआ। और कोई सवाल? जितनी मर्जी चाहे दो, पैसा हमारे पास जितना है, हिम्मत नहीं नहीं दो, उसमें बस ये है कि मेरे ख्याल से आप 3 जो है वो अगर एक बार आपने पेपर दिया और आपका रुक गया तो 3 महीने तक आप वो पेपर नहीं दे सकते। हाँ, आप लेवल 2 दे सकते हो। तो अमूमन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लेवल 1 दिया, रुक गया, उन्होंने लेवल 2 पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद लेवल 2 जो है वो बाद में दिया, पहले लेवल 1 निकाला फिर लेवल 2 दे दिया। इसकी फीस आप IIA की पूछ रहे हैं यहाँ की पूछ रहे हैं? IIA की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से $150 जो है वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद $250 जो है वो एग्जामिनेशन। हाँ ऐसे यार, पहले कवर करने में मसला नहीं है, मैं
अब पांचवें बैच के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसको 3 महीने से कम करना स्टूडेंट आपके साथ ही ज्यादती है। मैं इसको 1.5 महीने में कवर करा दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि मकसद यह है कि स्टैंडर्ड्स को समझना, उसके लिए टाइम लगता है और हमारे पास हम वीक डेज में क्लासेस नहीं रखते। हाँ नहीं आते यार लोग, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप आ जाओगे एक, बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब मुझे मसला है, आपको शायद मसला ना हो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे दूसरों के लिए ऑफिस से उठना, लेट सिटिंग्स, मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं, तो फिर वो चीज़ बड़ा। अभी इतना तो क्लियर हो गया कि वो वीकेंड पे ही सही रहता है कि सैटरडे संडे क्लास होगी, जिसमें सैटरडे जो है वो शाम की टाइमिंग में होती है, मतलब 6 बजे के बाद, सॉरी 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे, और संडे वाली क्लास अमूमन 3.5-4 घंटे की हो जाती है कुछ क्लासेस में भी। और संडे वाली क्लास वो फिर हम जमहूरियत से तय करते हैं कि जो मेजॉरिटी तय कर ले टाइम के, हम संडे को इस दिन इस वक्त अवेलेबल हैं, फिर वो संडे को क्लास का अपनी मर्जी से होता है। हाँ तुम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तुम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। अगर कोई लेट सपोज क्लास मिस हो जाए तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, गूगल ड्राइव से आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप जाके लेक्चर सुन लें। लेकिन मैं फिर मशवरा ये दूंगा कि थ्योरेटिकल क्लासेस कुछ, अगर जो मतलब कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनको मिस करना, वो ऑनलाइन में मज़ा नहीं आएगा। तो उसमें ये होता है, ख़ासतौर पर जो प्रैक्टिस वाली क्लास होगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, उधर आपका यहाँ पे होना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। और यार वो है ऑप्शन अवेलेबल, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब उसकी ट्यूशन फीस वगैरह दूसरी चीजें थोड़ी सी ज्यादा है बनिस्बत फिजिकल क्लास की। तो बेहतर यह है कि फिजिकली अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सकते हो तो फिजिकल पढ़ो, ऑनलाइन की जरूरत क्या है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 125 MCQs हैं, आपने उसमें कुछ भी करके 600 स्कोर करना है, बस इसी भी तरीके से आपने 600 स्कोर करना है। कोई और सवाल आपका? अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करेगा। मतलब अगर मैंने देखा भी कुछ लोग ट्रेजरी से हैं, कुछ फाइनेंस से हैं, आप पेपर दे भी दें उसके बावजूद अगर आप बैचलर हैं तो आपको 24 महीने का इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर बिकम CIA मेंबर। आप मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है आप क्वालिफाई हो जाएंगे लेकिन आप मेंबर नहीं बन सकते। और अगर आप मास्टर्स हैं या ACCA मेंबर हैं तो 12 महीने का इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इंटरनल ऑडिट में आपको अगर आप शुरू करते हैं तो आपको एज सून एज पॉसिबल स्विच करना होगा। फर्म का एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिट, देखो इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है, आपने दुनिया में किसी भी जगह इंटरनल ऑडिट में काम करना है बस। सॉरी नहीं, आप उसके अंदर जब आप यहाँ से आप उनको अपने सारे क्रेडेंशियल्स भेजेंगे तो उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करेंगे कि मैं यहाँ पे लेट सपोज एडवाइजरी के अंदर इंटरनल ऑडिट को ही मैंने देखा है, आप इस तरह बता देंगे आप उनको। तो आप पेपर दे सकती हैं, आप मेंबर बनेंगी जब आप इंटरनल ऑडिट में जॉब कर लेंगे। आप पेपर तो दे देंगी सारे Level 1, Level 2, Level 3, लेकिन आपके लिए आपने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है ना, आपने 12 महीने इंटरनल ऑडिट में काम करना है पेपर देने के दौरान या पेपर देने के बाद, तब आप मेंबर बन सकती हैं CIA। आपने लेना कुछ भी नहीं होगा, आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर के साथ, आपने नीचे वो आपको एक ऑप्शन देता है, उधर आपने बता देना है कि मेरा जो रोल था BDO के अंदर वो इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिक था और मैंने ये परफॉर्म किए हैं जो भी आपके असाइनमेंट्स थे। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी क्योंकि एनुअल रजिस्ट्रेशन तो कोई है नहीं, एनुअल सब्सक्रिप्शन IIA की कोई है नहीं कि आपने सालाना कोई, मेरे ख्याल से नहीं है। अब तो आप अगर उनको मेल करेंगे तो आपका वो अकाउंट शायद दोबारा एक्टिवेट कर दें, तो आपको उसी अकाउंट की बेस पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपने मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं है इसकी, नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने बस एक दफ़ा इनिशियल रजिस्ट्रेशन करानी है, फिर 3 दफ़ा एग्जामिनेशन की फीस देनी है अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलता है। और कोई सवाल? लेकिन मेरा मशवरा आपको ये होगा,
यार मैंने बताया ना तकरीबन, मैं अगर बात करूँ तो मेरे जो शुरू का बैच था उसका तो बहुत बुरा रहा, जो पहला बैच था उसके बाद जो थे वो 70% का रहा क्या अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैं बता रहा हूँ मेरे 3 स्टूडेंट इस वक्त इंडस्ट्री में हेड ऑफ ऑडिट है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वो इस वक्त 3 जो है वो हेड ऑफ ऑडिट है, जिसमें से एक जब आए थे वो हेड ऑफ ऑडिट नहीं थे, लेकिन उनको CIA की बेस पे एक टेक्सटाइल कंपनी ने अप्रोच किया और उसके बाद वो अभी एक टेक्सटाइल कंपनी के हेड ऑफ ऑडिट है। रियलिस्टिक उसमें बात करें तो लेवल 1 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, लेवल 2 मेजॉरिटी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, लेवल 3 आपको टफ टाइम देता है। लेवल 3 आपकी 2 अटेम्प्ट लगती हैं। 2 स्टूडेंट हैं जिनके 2 यानी कि पहली अटेम्प्ट में निकला, 2 से 3 स्टूडेंट हैं, वरना 2 अटेम्प्ट तो लगती हैं आपको। उसमें रीज़न ये होता है कि अमूमन उसमें खाली इसका मसला नहीं होता, उसका मसला ये होता है कि अमूमन लेवल 3 में लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है वो कहते हैं हमें पढ़ना ही नहीं है, हम घर पर पढ़ लेंगे। वहाँ पे फिर ये होता है कि पहली अटेम्प्ट दी वो घर पे पढ़ के दी वो रुक गए, फिर जब दूसरी अटेम्प्ट यहाँ पे पढ़ के दी फिर क्लियर हो गए। रीज़न उसका ये होता है कि आप घर पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उस तरीके से पढ़ना ऑन जॉब रहते हुए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। लेवल 3 में फिर इन्होंने एक और चीज़ अभी कर दी, आपको शायद आइडिया हो, जब लेवल 1 आपने दिया हो तो उस वक्त एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नामी एक चैप्टर होता था उसमें, अब वो इन्होंने इस पर हटा दिया है, अब वो ले गए उसको लेवल 2 में थोड़ा सा और लेवल 3 के अंदर ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, लेकिन अमूमन होता यह है कि अगर उससे रिलेटेड MCQs आ गए ना तो अच्छे खासे लोग तो वैसे ही समझ जाते हैं कि अब तो पेपर नहीं निकलेगा। रीज़न ये है कि वो बड़ी ख़तरनाक लेवल की उसके अंदर जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटीज़ तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, उसमें बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ उसमें जो अब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इस वक्त मौजूद है, मुझे उनकी बैकग्राउंड बताएं कि भाई ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती कैसे, तो वो थोड़ा सा एक टफ टाइम देता है। इस तरह कुछ एक दो कॉन्सेप्ट लेवल 2 में और जरा टेढ़े हैं, उनको आप घर पे उतने ईमानदारी से नहीं पढ़ सकते जैसे मैं लेवल 1 में कह रहा हूँ। ERM या COSO आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जो आपको क्लास में माहौल मिलेगा। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लेवल 3 में आप, और फिर लेवल 3 के अंदर चैप्टर्स भी बढ़ जाते हैं, तो आपके लिए उसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लेवल 3 थोड़ा सा चेक 2 अटेम्प्ट लगती हैं, लेकिन लेवल 1 आराम से क्लियर हो जाता है। बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंटेड, मीज़ान ने बड़ा एग्रेसिवली काम किया इस पर, मीज़ान ने बड़ा काम किया इस पर COSO के ऊपर। बल्कि मीज़ान के अलावा मैं भी रिसेंट अगर बताऊँ लेटेस्ट तो SSGC वाले ढूंढ रहे हैं COSO का स्पेशलिस्ट। मैंने मेरे नज़र से कोई जॉब गुजरी थी, उनको चाहिए ही कोई COSO स्पेशलिस्ट जिसने COSO इम्प्लीमेंट किया हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम COSO को थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना इसमें सीखेंगे और फिर लेवल 3 तक इंशाल्लाह मुकम्मल के ये लगता कैसे है। तो ये अगर मैंने एक इदारे में COSO अप्लाई करना है तो मेरी अप्रोच क्या होगी एज अ हेड ऑफ ऑडिट, क्योंकि अमूमन ये टास्क मिलते हैं। अब फिर इंटरनल ऑडिट के अभी बड़े जो चैलेंजेस अभी अगर मैं बात करूँ तो उसमें CIA के अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जितना मेरा इंटरनल ऑडिट का तजुर्बा है, लोगों को मिनट्स डॉक्यूमेंट करना नहीं आते। अगर मैं बोर्ड ऑडिट कमेटी की बात, मैं मिनट्स देखता हूँ, ड्राफ्टिंग इतनी माशाल्लाह होती है कि दिल अश अश कर उठता है कि ये ड्राफ्टिंग एक ACCA। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मिनट्स, बोर्ड ऑडिट कमेटी की मिनट्स हैं। अब वो कौन बनाता है जी, वो अमूमन होता है कि जिम्मेदारी हेड ऑफ ऑडिट की होती है, लेकिन अमूमन ये होता है कि अगर कोई बड़ा इदारा है तो हेड अपने किसी सीनियर मोस्ट बंदे को दे देता है कि यार ये देखो रिकॉर्डिंग्स हैं, इसको मिनटाइज कर दो, मैं रिव्यू कर लूँगा। लेकिन वो बड़े अजीब व गरीब नौयत के हुए होते हैं। फिर लोगों की ऑब्जर्वेशन की ड्राफ्टिंग खूबसूरत होती है कि जो कहना चाह रहा होता है वो लिख नहीं पा रहा होता और जो लिखा होता है वो समझ नहीं आ रहा होता। तो ये अच्छा, ये भी आप सीखेंगे इधर ही आपको कि ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट कैसे करनी है, ऑब्जर्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, कितनी बात किस वक्त लिखनी है। तो ये सब एक अलग रॉकेट साइंस है, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन है ना लिख देंगे यू ही, और इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है Ctrl+C Ctrl+V। पुरानी रिपोर्ट उठाओ उसको कॉपी करो, और एक उससे भी मज़ेदार अप्रोच होती है जो चल रही है, पिछली रिपोर्ट कितने पेज की थी यार, पिछले क्वार्टर की 12 पेज की थी, 15 पेज की हो गई, खैर है। ये क्या अप्रोच चल रही है यार, मतलब वैल्यू एडिशन कहाँ है? ऑनेस्टली यही हो रहा है, पिछली रिपोर्ट के पेजेस गिने, अच्छा उस बार 15 रिपोर्टें गई थी, हाई रिस्क कितनी थी, अच्छा हाई रिस्क जो है वो 7 थी, इस बार तो हम 8 लेके जा रहे हैं। बोर्ड अपना एक सड़ा यानी कि उसके अगर बोर्ड की अपनी हटी होती है, क्वालिटी क्या है ये बोर्ड में लेके जाओगे? कितनी ऐसी मैंने बोर्ड ऑडिट जी यार इसको फिल कर दीजिएगा जो इसमें जो चीज है, तो कितनी ऐसी मैं देखता हुआ था जब मुख्तलिफ जगहों पर था कि बोर्ड ऑडिट कमेटी की बड़ी बुरी धुएंधार किस्म की कमेंट्स आ रहे हैं, ये क्या आप ऑब्जर्वेशंस लेके आ रहे हैं,
और जो है वो ये किस किस्म की ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारे लेवल पे डिस्कस होंगी कि आप ये बुनियादी चीज़ें हैं ये आपको मैनेज। मैं ऑनेस्टली अगर बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, अभी मेरे कुलीग का एज अ हेड ऑफ ऑडिट इंटरव्यू हुआ, पाकिस्तान के दो ब्यूरोक्रेट्स उसमें पैनल में थे इंटरव्यू के, तो उनका सब पहले जब मैं वो इंटरव्यू दे के आया मैंने कहा कैसा रहा इंटरव्यू, कौन था कमेटी के अंदर, उन्होंने बताया ये लोग थे। तो कह रहे यार उसका एक फोकस जो कह रहे पूरे इंटरव्यू पैनल का एक फोकस था, वो फोकस किस चीज़ पे था, आप कौन सी चीज़ें बोर्ड में प्रेजेंट करना समझते हैं कि ये प्रेजेंट होनी चाहिए। बोर्ड की जो बोर्ड है ना उनका एक प्रायोरिटाइजेशन है, इंशाल्लाह जब कोर्स में बैठोगे तो चीज़ें बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड भी सीखने को मिलती हैं इंसान को। आज का बोर्ड ये जाता है कि मैक्सिमम इश्यूज मैनेजमेंट के एंड पे आप इशू करके रिजॉल्व करके लाएं, बात बात पे मैनेजमेंट की कंप्लेन लेके बोर्ड तक ना पहुंच जाएं कि देखो ये हो गया। वो कहते हैं सिर्फ क्वालिटी इश्यूज लेके आओ, मिनिमम हो लेकिन ऐसे हो जिनकी कोई वेटेज हो। जिन जैसे मैं अगर अभी रिसेंट बात करूं तो आपका कौन सा जा रहा था बैटरी, चले आप सेक्टर से नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर है उधर बड़ा एक हॉट इशू इस वक्त चल रहा है, या फिर जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है KYC नो योर कस्टमर, इसके ऊपर बड़ी इंटरनल ऑडिट के ऊपर बड़ी वो चल रही है कि नहीं इंटरनल ऑडिट ने KYC के ऊपर बहुत काम करना है। फिर इस वक्त रिसेंट चैलेंज जो तमाम इंडस्ट्रीज तमाम सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ इंटरनल ऑडिट को होगा, अब जब ग्रेजुअली लॉकडाउन खुल रहा है ऑपरेशनल वीकनेसेस को हाईलाइट करो वर्क फ्रॉम होम की। मुख्तलिफ बोर्ड्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ठीक है आपकी मैनेजमेंट ने बहुत सारे बड़े इदारों ने वर्क फ्रॉम होम ऑपरेट किया है, मेरा इदारे का डाटा कितना सिक्योर है, कि फायरवॉल कितने स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, ठीक है जी मेरे इदारे की डाटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही घर पे काम करने से, क्योंकि ऑब्वियसली आप लैपटॉप दे रहे हैं आप उनको VPN से कनेक्ट कर रहे हो, आपके डाटा का बहुत सारा वहां पे ऐसा डाटा जो इदारे से शायद आज से पहले बाहर नहीं किया था, अब वो किसी घर के फेडरल एरिया या किसी नॉर्थ नादाबाद के कमरे में वो ऑपरेट कर रहे हैं वो चीज, तो ऑब्वियसली डाटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो किस लेवल का आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि वो डाटा जो है वो सिक्योर है, इसके ऊपर इंटरनल ऑडिट के जो मुख्तलिफ मैंने सुना अभी रिसेंटली मुख्तलिफ बोर्ड्स ने अपने हेड ऑफ ऑडिट को टारगेट दिया है कि हाईलाइट करो यार इश्यूज ऑपरेशनल वीकनेसेस और ऑपरेशनल रिस्क ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो अब उसके लिए आपको इंडस्ट्री में अपडेट होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए नए मॉडल्स क्या आ रहे हैं। एक टॉपिक मेरे जहन से निकल गया जो आप और डिटेल में पढ़ेंगे कोसो के साथ ही, ISO 31000, इसका आपने अमूमन सिर्फ नाम सुना होगा कि ISO सर्टिफाइड है, ये बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, मुख्तलिफ इदारे इसको एडॉप्ट भी करते हैं और इसकी एक सर्टिफिकेशन लेते हैं कि यार हम ISO सर्टिफाइड हैं, इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसमें से हमारे मतलब का है ISO 31000 जो सिमिलर है कोसो फ्रेमवर्क का, लेकिन वो भी बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ISO 31000 हमसे क्या कहता है, हमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ मौजूद है, इन सब पे बात करेंगे। तो ये है कि CIA आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे देता है अपनी एजुकेशन के साथ, प्लस करियर की बात करूँ तो ग्रोथ में आपको बहुत फ़ायदा होता है बिकॉज आप इजीली स्विच कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी बड़ी बढ़ जाती है। एक नॉर्मल बंदा है जो ACCA क्वालिफाइड है और एक बंदा है जो ACCA प्लस CIA क्वालिफाइड है, उसकी प्रोबेबिलिटी किसी अच्छे इदारे के इंटरनल ऑडिट में इंटरव्यू क्लियर करने की बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उसको बहुत सारी गुफ्तगू का मटीरियल ऐसा मिल जाता है जो कंट्रोल स्पेसिफिक होता है, जो कि एक इंटरव्यू पैनल चाह रहा होता है कि यार एक इंटरनल ऑडिटर में होना चाहिए। नॉर्मली जो लोग आ रहे होते हैं वो उस तरह के होते नहीं है, तो CIA आपको बड़ा हेल्प करता है। तो CIA नहीं करो फिर दोस्त, वैसे अगर करना चाहो वो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन सभी देख रहे होते हैं मैं आपको कह रहा हूं ना कि यही बात मैंने शुरू में की कि आपका दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत एक ऐसे आदमी के जो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में रहो, बिकॉज आप एज अ ऑडिटर देख रहे होते हैं, आपको चैलेंजेस पता होते हैं कि यार फाइनेंस के ना इस वक्त रिसेंट चैलेंजेस ये चल रहे हैं इस सेक्टर में, तो आपको पता होता है कि बीइंग अ इंटरनल, तो और जो सामने आपको इंटरव्यू पैनल में बैठा है ना वो भी कह रहा होगा यार ऑडिटर है ना, ये मेरे लिए जरा एक वो कंफर्ट फैक्टर होगा कि ये चीजों को बड़े क्रिटिकली इवेल्युएट करेगा। एग्जैक्टली तो वो आपके लिए, बल्कि मैं अगर बात करूं अभी बड़ा एक अच्छा डेवलपमेंट सुनी, HBL बैंक ने इंटरनल ऑडिटर्स उठाए बड़ी अच्छी तादाद में कोविड से पहले, और वो उठाए इन्होंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए नहीं, मजेदार बात ये थी
उन्होंने उठाए अपने डेटा स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के लिए, डेटा स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के लिए इंटरनल ऑडिटर्स उठाए, यंग इंटरनल ऑडिटर्स उठाए, और उसके अंदर उनका काम था जो डेटा साइंटिस्ट है, बिकॉज HPL इज गोइंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन, 100% ऑटोमेशन, और ये एशिया में पहला बैंक होगा जो पूरा पूरा ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर रोबोटिक साइंस भी है, और पता नहीं उनका बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह का डिजाइन हुआ है अब कि हम पूरी बैंकिंग को ऑटोमेट कर देंगे, पूरी बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, ईच एंड एवरी थिंग इज ऑटोमेट। और उसके लिए उन्होंने इंटरनल ऑडिटर्स उठाए कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ और बैंक के कि इन्होंने बैंक के मुख्तलिफ फंक्शंस को बड़ी डिटेल में देखा है, ये जाके हमारे फ्रंट एंड से, लेट्स सपोज फाइनेंस ऑटोमेट हो रहा है, अब ये फाइनेंस वालों से जाके बात करेंगे, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करते हो, सारी डिटेल ही कम्युनिकेट करेंगे डेटा साइंटिस्ट को, मुझे इस तरह का मॉडल चाहिए पाइथन लैंग्वेज के ऊपर, फिर वो जो है वो एज अ लाइजन काम करेंगे। और बड़े हेल्दी पैकेजेस पे HBL ने उठाया उन इंटरनल ऑडिटर्स को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर इंटरनल ऑडिट का स्कोप मुख्तलिफ जगहों पे, खाली आप इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिक होके ना सोचें, क्योंकि जिस लेवल पे सर आप हैं उस लेवल के बाद सिर्फ 2 या 3 स्टेप होते हैं, आप बोर्ड ऑडिट कमेटी में जाते हो या CEO या CFO की तरफ बढ़ते हो आगे, बाकी जो दूसरे लेवल के लोग होते हैं वो जो है वो फिर ये होता है कि यार आपके लिए ग्रोथ सबसे मेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे जहन में आई, आप यहाँ पे पढ़ते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस एक अपने आप में दुनिया है, इंटरनल ऑडिट करना एक अलग चीज है, वो लोग होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो इंटरनल ऑडिट का ऑडिट करते हैं। और अमूमन हेड ऑफ ऑडिट बनने के लिए जो एक ट्रेंड होता है वो ये होता है क्वालिटी किसी दर्जे में आनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है, जो और इंडस्ट्रीज हैं उधर, यानी कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ क्वालिटी पे काम नहीं होता, एक्सटर्नल ऑडिट की QCR हो रहा होता है, इंटरनल ऑडिट की क्वालिटी एश्योरेंस पे वो काम नहीं हो रहा जिसके जो जिस लेवल का होना चाहिए। लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे बैंकिंग सेक्टर है बड़े एग्रेसिवली अपने क्वालिटी पे काम कर रहा है, मतलब अब उन्होंने डेडिकेटेड क्वालिटी के सेक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, तो आप बड़ी डिटेल में वो पढ़ते हैं। उसका फायदा आपको ये होता है कि हेड बनने के लिए, हेड ऑफ ऑडिट जिसको CAE कहते हैं, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, उसके लिए किसी दर्जे में रिक्वायरमेंट है कि आपने क्वालिटी एश्योरेंस कुछ की भी हो, मतलब आपको पता हो कि मेरा, मतलब मैं जिसको ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो ये भी आप यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा Level 1 के अंदर ही, Level 2 में फिर आगे की चीज़ें, तो एक अच्छा ओवरऑल आपको एक इजाफा हो जाता है आपके करियर के अंदर। और कुछ चाहिए? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं इससे हम बहुत मुख्तसर पढ़ेंगे, मेरा फोकस इस पे नहीं होगा, मेरा फोकस होगा इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन गाइड के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन गाइड एक, अगर आपने जब उस वक्त रजिस्ट्रेशन कराई हो तो ये स्टैंडर्ड की तशरीह होती है जो कि PDF फॉर्मेट में काफ़ी मोटी एक किताब होती है जो कि IIA की अपनी है, जिसके अंदर तमाम स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ना हमारा ज़्यादा फोकस होगा बनिस्बत इसके। तो हम इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा कि जहाँ स्टैंडर्ड की बात है इसको बंद करो, इम्प्लीमेंटेशन गाइड खोलो, वहाँ से बात होगी, इससे बात नहीं होगी। नहीं नहीं, वो बेसिकली जैसे IFRS की इंटरप्रिटेशन आती थी, वो इंटरप्रिटेशन है, वो उसमें तफसीली गुफ्तगू है एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे। वो MCQ की बुक अलग है, फिर मैं आपको जो है वो ग्लैम की जो है वो एक तो बुक आपने ले ली है, फिर मेरे कुछ जगहों पर कुछ अपने नोट्स हैं जो मैं दोनों, वो मेरे अपने लोग बिल्कुल वो हम प्रोवाइड करें, वो बिल्कुल हम प्रोवाइड करें। और कोई सवाल? नेक्स्ट वीक से क्लास, संडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, सैटरडे को नहीं होगी, संडे से स्टार्ट होगी पहली क्लास। जल्दी, इससे जल्दी क्या चाह रहे हो, एक हफ्ते? मैं आपको अब क्लास में एडमिशन एक दफा ले लो, उसके बाद फिर जल्दबाजी नहीं करना, बस फिर उसके बाद सुकून से बैठ जाना। फायदा क्या है जल्दबाजी करके पेपर देने का कि फिर रुक जाए, बेहतर ये कि अब इतना डिले हो गया ना, आगे भी हो जाएगा, मतलब मैं 1 महीना एडवाइज नहीं करता, मैं 1 महीना जितना डिले आप क्लास के बाद करेंगे, सेशन खत्म होने के बाद आपके फेल होने का चांस उतना बढ़ेगा। उसका रीजन ये, 1 मिनट में आपकी पता, उसका रीजन ये है कि MCQs बेस्ड पेपर है आपके पास सारे, मैं यहाँ से जब सेशन एंड कराऊंगा तो मेरी अमूमन प्रैक्टिस ये रही है कि सेशन जब एंड हो जाता है बिल्कुल सारे 7 चैप्टर खत्म, तो 2 दिन हमारी लंबी क्लासेस होती हैं, सैटरडे को या संडे को, या फिर 2 कंटिन्यूस संडे हम रख लेते हैं,
जिसमें चार चार घंटे पांच पांच घंटे की वो क्लासेस होती हैं, जिसमें हम तमाम स्टैंडर्ड दोबारा पढ़ते हैं पूरे स्टैंडर्ड, और उसके बाद मैं इतना प्रिपेयर करा देता हूँ कि उसके बाद एक हफ्ता बहुत है। उससे ज्यादा डिले करना, टाइम जाया करना है कि जब आपने इतनी देर में कुछ नहीं किया तो फिर वो फायदा नहीं है। फिर फायदा नहीं है कि जब आप इतने दिन में कुछ नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब यह है कि वो आप एक महीने में भी कुछ नहीं कर सकते। उससे बहुत बेहतर ये है कि आपने पूरा सेशन कर लिया, उस पूरे सारे चैप्टर्स पढ़ से किट कर ली, स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, इम्प्लीमेंटेशन गाइड पढ़ ली, उसके बाद रिवाइज कर लिए वो तमाम स्टैंडर्ड। अब क्या बचा है? सब तो हो गया। फॉरन इमीजिएट एक हफ्ते का, अच्छा वो एक हफ्ते भी मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि उसमें कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ जो है ना उनको सॉल्व करो 60 सेकंड का टाइम फ्रेम रखे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि थोड़ा मोराल बढ़ जाए, कि भाई थोड़ा मोटिवेशन आ जाए कि हाँ यार मैं 60 सेकंड को कर रहा हूँ अटेम्प्ट, बस सिर्फ इस वजह से। बाकी कोई और वजह नहीं होती कि उसमें रिवाइज कर लो, नहीं भाई वो सब हो चुका है। अब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो एक हफ्ता कहता हूँ मैं, बाकी वो भी एडवाइजेबल सिर्फ इसी, यानी कि मैं नहीं कहूँगा अगर तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट उससे पहले ही सही हो चुकी है, मैं कहूँगा अगले दिन दो, फायदा ही नहीं है डिले करने का। बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा सब कुछ जहन में होगा यार, जाके तुमने अटेम्प्ट करना है। इसी बात यही सवाल एक रह गया था जो आपने पूछ लिया, कुछ सॉफ्टवेयर है मेरे पास, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा उसका, जब आप हमारा सेशन एंड हो रहा होगा तो मैं गूगल ड्राइव पे उसका एक्सेस दे दूंगा, आप अपनी तसल्ली वहां से भी कर लीजिएगा। तो वो लेकिन थोड़े अब पुराने हैं, वो ऑब्वियसली अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको MCQs मिल जाएंगे, वही पूरा डैशबोर्ड बना होगा, स्टॉप वॉच चल रही होगी, पूरा एग्जाम का ही माहौल होगा, तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PRs ठीक है, तो आप बहुत ही डिफरेंट जगह पे जा रही हैं। PRs बेसिकली जो प्रोडेंशियल रेगुलेशंस हैं, वो एक वो बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन, ठीक है, उसके अंदर से शायद मुझे याद पड़ता है कोई दो प्रोडेंशियल रेगुलेशन ऐसे हैं जो इंटरनल ऑडिट के ऊपर बात करते हैं, इसका दूर दूर तक उससे कोई पता ही ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग, इंटरनल ऑडिट एक अलग दुनिया है। जब आप शुरू की क्लासेस लेंगी तो पहले मैं उसमें स्ट्रक्चर समझाता हूँ किसी भी इदारे का, कि उस इदारे के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरनल ऑडिट कहाँ प्लेस करता है, इंटरनल ऑडिट की क्या वैल्यू है, ये किसको रिपोर्ट करता है। वो जब वो आप समझ लेंगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें भाई। ये US की सर्टिफिकेशन है, अमेरिका की है जी, और पूरी दुनिया में वाहिद सर्टिफिकेशन है ग्लोबली इंटरनल ऑडिट की एक ही, और दो तीन इंस्टीट्यूट्स आए लेकिन उनकी ऑब्वियसली वो वेटेज नहीं है। UK की वो जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से UK का है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेसिफिक है। CMA USA का है वो, अच्छा मैं सीमा समझ रहा था, ठीक है CMA वो, लेकिन वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेसिफिक है और मुझे उसका इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं है, वो CMA का मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे जाना है तो फिर सीमा ज्यादा बेस्ट होता है जो कि UK का। किस हवाले से मुझे, मैं सिर्फ यही आपको कह रहा था कि आपने जो है वो जैसे जैसे ग्रेजुअली, अगर क्योंकि आपका मुझे आइडिया हो गया, इंटरनल ऑडिट का कोई बैकग्राउंड नहीं है और ना कोई इसका आपको आइडिया है, तो अमूमन ऐसे लोगों को एक हफ्ता लगता है क्लास के बाद समझने में कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके ऊपर से ही निकल गई होंगी, तो उसमें आपको अगर CIA आगे कंटिन्यू करना है और आप समझती हैं कि नहीं यार मैं इंटरनल ऑडिट को एज अ करियर परसू करूँगी, तो उस वक्त आपको एक हफ्ता आपको लगेगा सारी चीज़ों को समझने में जो बाकी लोग समझ रहे हैं। तो एक हफ्ते के अंदर आपको सब, आप इन्हीं के पेज पे आ जाएंगे, फिर जो ये समझ रहे होंगे वो आप समझ रहे होंगे। एक हफ्ता लगेगा जिसके अंदर पहला चैप्टर जब हमारा खत्म होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। KYC तो एक मैं बहुत सारी ऐसी बातें बीच में करूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, तो वो एक एग्जांपल थी कि इस वक्त हॉट इशू क्या चल रहा है, तो इस हवाले से वो आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी तो आपने फौरन उसको रिलेट किया कि हमारे यहाँ बैंक में ब्रांच में यही होता होगा, नो योर कस्टमर, आपने उधर से रिलेट किया। वर्क फ्रॉम होम की ऑपरेशनल वीकनेसेस और जो ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, और
दूसरा मैंने क्या बताया था भाई मुझे, वर्क फ्रॉम होम में आ गया, कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा के ऊपर बात की थी कि भाई आपकी फायरवॉल कितनी स्ट्रांग है जब आप वीपीएन से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें, क्योंकि आपका बहुत सारा डाटा अब घर से ऑपरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आईटी डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि कल को कोई चीज ऐसी होती है तो बोर्ड ने पूछ लिया कि मोहतरम आप क्या कर रहे थे, हमने वर्क फ्रॉम होम मैनेजमेंट ने करवाया तो सही, लेकिन इंटरनल ऑडिट ने कोई इस पर डेडिकेटेड असाइनमेंट किया है कि वर्क फ्रॉम होम में, अमूमन तो वर्क फ्रॉम होम से प्रैक्टिकली अगर मजाक में बात करूं तो पता चल गया कि इदारे के काम के आदमी कौन है, बाकियों ने तो चिल किया है, वो चार पांच लोग थे हर डिपार्टमेंट में जो वाकईतन काम कर रहे थे, बाकी सब चिल कर रहे थे, जो क्योंकि उसमें वर्क फ्रॉम होम के अंदर मेजॉरिटी लोगों, नेट नहीं चल रहा, कोई और इशू है, उसमें वो काम के लोग बहुत कम थे, अगर एक्चुअली कोई इस पे वर्क डिटेल होमवर्क करे ना तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये डिपार्टमेंट जो इस वक्त लेट सपोज 17 लोगों पे बेस करता है, ये लोग भी चला सकते हैं अगर चलाना, क्योंकि वो वही लोग एक्चुअली काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम से, क्योंकि अमूमन इदारों ने तो बहुत कम इदारे थे जो पूरा ही वर्क फ्रॉम होम पे गए, बहुत सारों ने तो आखिर वक्त तक अपने स्टाफ को बुलाया है, 25% अटेंडेंस रखी, 50% अटेंडेंस रखी, लेकिन कुछ ऐसे इदारे थे, जैसे मैं अपने इदारे की बात करूं तो एक वक्त में MCBRF अभी म्यूचुअल फंड मुकम्मल घर पे था, मतलब सिवाय शायद ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस के दो या तीन लोग आए हुए हों या IT का कोई एक बंदा बैठा हो, पूरा हेड ऑफिस घर से ऑपरेट हो रहा था, और मतलब ये हम इंडस्ट्री में पहले थे जिसने ये इतने इनिशियली शुरू की थी कि जब लोग कह रहे थे कोविड तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, हमने उस वक्त ही शुरू किया था, तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली, अभी भी मैंने सुना है कि UBL फंड्स वाले अभी भी नहीं आ रहे, वो घर से ही काम कर रहे हैं, तो और अब ये जाना भी चाहिए, मतलब अगर इसको हम तरीके से लेके चलें आगे तो मेरे ख्याल से कोविड वाहिद जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है, फोर्स डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है कि पाकिस्तानी शायद इसके हवाले से 10 साल बाद सोचते जो हमने इमीडिएटली जल्दी जल्दी में सोचा है कि भाई ये होना चाहिए, क्योंकि मेरे में लास्ट ईयर आया था सऊदीया के अंदर, एक साल पहले से मशरक बैंक है या पता नहीं कौन सा बैंक है मुझे जहन में नहीं आ रहा, उनके यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट बड़ा नॉर्मल है कि हफ्ते में आपने एक दिन घर से काम करना है, तो ये मसला यही है कि बुरा समझा जाता है लेकिन अब तो मजबूरी थी ना, अब कर समझ लो बुरा कुछ भी है, अब आपने करना है घर से, तो अब हुआ ये कि उसमें इदारों को जरा तेजी, IT वालों के बड़े लूप होल्स इस वक्त, अब लॉकडाउन खुलने के बाद अगर कोई इंटरनल ऑडिट में IT ऑडिटर्स हैं वो कोई डेडिकेटेड असाइनमेंट करें, आपको 36 ऑब्जर्वेशन तो वैसे ही मिल जाएंगे जो इस दौरान इनके IT कंट्रोल्स कॉम्प्रोमाइज हुए होंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर कोई अगर किसी इंटरनल ऑडिट में है उसको लगाओ डेडिकेटेड असाइनमेंट, बोलो बेटा निकालो जरा वीकनेसेस, होम में हुआ क्या क्या है, कितनी जगह पे फायरवॉल पे हिट आई है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पता चलेगा, बिल्कुल हाँ, सब फिर ऑनलाइन होगा, क्लास रुकेगी नहीं अब, ऑनलाइन होगी, मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होगी कि अगर कोविड होता भी है तो SOP के साथ बैठ जाएंगे, मास्क लगा लेना तुम लोग, मैं नहीं लगाऊंगा मास्क, लेकिन कोशिश ये फिजिकली करेंगे, मेरी ज्यादातर यही होगा कि जब तक कोई रेगुलेटर आके नहीं बोलते कि इसको बंद करो उस वक्त तक क्लास फिजिकली होगी, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता थियोरेटिकल क्लास में के ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता, तो जो बात, और यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें टोटल इंटरेक्शन है, मतलब जब तक मुझे आपका ओपिनियन और इनके ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा, डिबेट्स होंगी मुख्तलिफ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप तो ये कह रहे हैं, वो चीज़ ये होगी कि वो आपको रीज़न फॉर रिजेक्शन वाली वजूहत देगी, कि जब आप ऑप्शन में बैठ के सोचेंगे नहीं क्लास में ये वाली बात डिस्कस हुई थी उस वक्त वहाँ पे ये बात हुई थी, नहीं नहीं ये मैं गलत जा रहा हूँ ये वाला ऑप्शन सही है, तो वो जब इंटरेक्शन होगी ना तो वो वहाँ से बिल्कुल सही होता है, ठीक है जी, और कोई सवाल तो नहीं है आपका किसी भी किस्म का, बाकी किसी का कोई सवाल नहीं है, और कहाँ रखें आपके लिए, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ रख लेते हैं, तो यहीं पे होंगी और कहाँ होंगी, एक ही कैंपस, ठीक है जी, और कोई सवाल तो नहीं है, बस नेक्स्ट संडे जी, जी 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 अच्छा क्लास के बाद बात कर लें, क्लास के बाद कर लेते हैं, मुझे पता है कि क्या सवाल है आपका, पांचवा बैच हो गया है, ठीक है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट संडे को हमारी पहली क्लास है, टाइमिंग डिसाइड